बराबर है। मैं सैयद आला सरीन, एडियन उर्दू न्यूज में आपका इस्तकबाल है। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। आलमी शोहरत याफ्ता उर्दू के मशहूर शायर राहत इंदौरी दुनियाए पानी से कूच कर गए। कोरोना का कहर बदस्तूर जारी, आज फिर 75 मरीजों की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। क्रांति चौक इलाके में सारखों ने चार दुकानों का शटर तोड़कर नकद रकम और मोबाइल चोरी करके हुए फरार। अब खबरें तफसील से। मशहूर व मारूफ शायर राहत कुरैशी उर्फ राहत इंदौरी ने मध्य प्रदेश के अरबिंदो अस्पताल में आखिरी सांस ली। ये उर्दू के नामवर शायर भी इस वबा की नज़र हो गए। इनके इंतकाल से उर्दू शायरी का बड़ा नुकसान हुआ है। राहत इंदौरी उर्दू मुशायरों की आबरू समझे जाते थे। अल्लाह से दुआ है कि मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे। राहत इंदौरी के कोरोना वबा में मुब्तिला होने की खबर सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर उनकी जल्द सेहतयाबी की दुआ का सिलसिला शुरू हो गया था, मगर अभी शाम को वो जिंदगी की जंग हार गए। इनके इंतकाल पर अदबी हलके में गम की लहर दौड़ गई। माना जा रहा है कि राहत इंदौरी के इंतकाल से उर्दू शायरी का एक अहम दौर खत्म हो गया। इंदौरी की शायरी की खसूसियत ये थी कि उन्होंने हाकिम वक्त की गलत पॉलिसियों की सख्त तनकीद की। कम वो बेश निसफ सदी तक उन्होंने उर्दू मुशायरों को अपनी शायरी से महफूज किया। इसके अलावा भी उन्होंने समाज के कई मसाइल को अपनी शायरी का मौजू बनाया। इनके इंतकाल पर अदबी, सियासी और समाजी हलकों में गहरे दुख की लहर दौड़ गई। अभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा उसे, जहां जहां से वो टूटा है जोड़ दूंगा उसे, और मुझे वो छोड़ गया, ये कमाल है उसका। इरादा मैंने किया था कि छोड़ दूंगा उसे, इरादा मैंने किया था कि छोड़ दूंगा उसे। साहब पसीने बांटता फिरता है हर तरफ सूरज, गजल के मतलब ही ये होते हैं। ये सूरज जो मैंने कहा है, इसका मतलब कुछ भी निकाल लीजिए आप। कह रहा हूं दोस्तों के इरादा मैंने किया था कि छोड़ दूंगा उसे, पसीने बांटता फिरता है हर तरफ सूरज, कभी जो हाथ लगा तो निचोड़ दूंगा उसे पसीने बांट। शहर व जिले में आज दोपहर तक मिले इत्तला के मुताबिक 75 मरीजों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके बाद इस वबा में अब तक मुब्तला मरीजों की तादाद 17,125 हो चुकी है, जबकि 12,537 मरीज सेहतयाब हो गए हैं, और अब तक इस वबा से मरने वालों की तादाद 558 हो चुकी है, जबकि 4,030 मरीजों का शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में इलाज जारी है। शहर में कोरोना का कहर बदस्तूर जारी है और मरीजों की तादाद कम होती दिखाई नहीं दे रही है। जनता कर्फ्यू से पहले और जनता कर्फ्यू के बाद का मवाजना किया जाए तो जनता कर्फ्यू का कोई असर होता दिखाई नहीं देता। लगभग वही आदाद शुमार सुन सुन कर लोग भी अब कोरोना से मुतासिर लोगों की तादाद पर संजीदा होते नजर नहीं आ रहे हैं। आज शहर व जिले में कोरोना से मुतासिर लोगों की तादाद 75 बताई जाती है। आज पाए गए 75 मरीजों के साथ ही औरंगाबाद शहर व जिले में कोरोना से मुतासिर मरीजों की तादाद 17,125 हो चुकी है, जबकि 12,537 मरीज सेहतयाब होकर अपने घरों को पहुंच गए हैं। शहर व जिले में अब तक कोरोना से मरने वालों की तादाद 558 हो चुकी है, जबकि 4,030 मरीजों का इलाज शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में जारी है। औरंगाबाद शहर में पिछले एक हफ्ते से क्रांति चौक पर मराठा आंदोलन चल रहा था। गुज़िश्ता सालों में मराठा रिजर्वेशन के एहतजाज में 42 मराठा अफराद ने अपनी जान की कुर्बानी दी। उनके अफराद खानदान के एक फर्द को सरकारी मुलाजमत दी जाए और 10 लाख रुपए माली इमदाद दी जाए, इस तरह का मुतालबा आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया। हुकूमत को बेदार करने के लिए मराठा बरादरी के जज्बात मुख्तलिफ एहतजाज के जरिए हुकूमत तक पहुंच रहे हैं। जो हुकूमत मराठा बरादरी को मराठा रिजर्वेशन ताहम हुकूमत के पास इस तरफ तवज्जो देने का कोई वक्त नहीं है। मराठा रिजर्वेशन के दौरान 42 मराठा भाइयों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया और इन्हें अभी तक माली मदद या मुलाजिमत नहीं दी गयी। आइए हर 10 लाख रूपए की माली मदद ले, ये ऐलान उद्धव ठाकरे ने उस वक्त किया जब वो अख्तदार में नहीं थे, लेकिन अब खुद उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के वजीर आला है। हुकूमत मराठा मुखालिफ है और तीन पहिए वाली हुकूमत मराठा बरादरी को धोखा देने की कोशिश कर रही है। ताहम मराठा बरादरी इन मुतालिबात पर कायम है। अगर हुकूमत मराठा रिजर्वेशन नहीं देती है तो 42 भाइयों की कुर्बानी के बाद 43वीं कुर्बानी रमेश गिरी पाटिल और 44वीं अपा साहब केड़ेकर पाटिल कुर्बानी देने के लिए तैयार है। हुकूमत को अब बेदार होना चाहिए और मराठा बरादरी के मुतालिबात को कबूल करना चाहिए। मराठी क्रांति थक मोर्चा की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की गयी, जिसमे सदर मराठा कोऑर्डिनेटर रमेश गिरी पाटिल, अपा
साहब कुड़ेकर और मुतासर अफराद के लवाकिन की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। माझा मुलगा आरक्षण साठी वारला, जगाला आरक्षण भेटल, पण माझा मुलगा वारला म्हणून मला काय भेटल? माझ्यासाठी कोणी काही केलं का? कोणीच काही केलं नाही। ठाकरे साहेब तेव्हा काही मुख्यमंत्री नव्हते म्हणून मला काय म्हणले, तुमचं कोण दगावलं तुम्हाला भेटून जाईन सगळं काही, आणि आज मुख्यमंत्री झाले म्हणून काही मला भेटणार नाही का? असं मला त्यांना हे सवाल सांगायचा आहे, आणि त्यांचा पुरावा आहे, त्यांनी बोलतानाचा हा फोटो आहे माझ्याकडे, मला त्यांना बोलायचं आहे। मला असं मी मातोश्रीवर आज सुद्धा यायला तयार आहे, आणि प्रत्यक्ष हे दाखवून मी त्यांना बोलणार आहे। कालच्या आंदोलनाबद्दल बोलायचं झालं तर आम्हाला अटक इथं धोका देऊन आम्हाला अटक केली गेली या राज्य सरकारने। आमच्याशी यांनी चर्चा करायला पाहिजे होती। आम्ही तिथं थोड्या वेळापूर्वी एका वृत्तवाहिनीला लाईव्हमध्ये बोलत असताना की आम्ही राज्य सरकारसोबत चर्चा करायला तयार आहे। आमची केवळ एक मागणी आहे की या जर आत्महत्याग्रस्त कुटुंबाला तुम्ही सरकारी नोकरीमध्ये सांगून घ्या। उद्धवजी ठाकरे साहेब, आपण तुम्ही जर ऐकत असाल आमचा आवाज, तर तुम्हीच शब्द दिला होता आझाद मैदानावरती येऊन की मी या बांधवांना आम्ही सरकारी नोकरीमध्ये घेऊ आणि आर्थिक सहाय्य करू। तुम्ही तो शब्द फिरवलेला आहे। तुम्ही आमच्या मराठा समाजाची फसवणूक तर केलीच आहे। जे आत्महत्याग्रस्त कुटुंब आज वाऱ्यावर आहे, कोविडची परिस्थिती असताना त्यांना एक वेळचं अन्न खायला नाही, त्या देखील कुटुंबाला तुम्ही फसवलेला आहे। काल आम्ही तिथं पोलीस स्टेशनला बोलत असताना आमच्यावर गुन्हे दाखल करा म्हणत असताना देखील या राज्यकर्त्यांना माहीत असताना हे कुटुंबाला उद्या नोकरी लागणार आहे, यांना शासकीय नोकरीमध्ये सामावून घेतलं जात असताना देखील त्याच्या पोलीस प्रशासनाने आमचा अपमान या कुटुंबाचा केलेला आहे, आणि यांच्यावर देखील तिथं गुन्हे दाखल केलेले। त्यामुळे या राज्य सरकारने तात्काळ गुन्हे जर मागे घेतले नाही, बोलल्याप्रमाणे आम्ही आता गनिमी कावानी मातोश्रीवरती 8 दिवसामध्ये आम्ही जाऊन बसणार आहोत। म्हणजे निव्वळ मराठा समाजाची फसवणूक या ठिकाणी आम्हाला होताना दिसत आहे। म्हणजे आंदोलन आम्ही करायचे तरी बांधवांना न्याय ठिकाणी मिळत नाही, आणि आंदोलन सुरू केलं तर त्या ठिकाणी आंदोलन दाबण्याचा प्रयत्न या सरकारच्या माध्यमातून या ठिकाणी होताना आम्हाला दिसत आहे। त्यामुळं काल बघा, आंदोलन करत असताना त्या ठिकाणी ज्या 42 बांधवांनी बलिदान दिलं त्या कुटुंबातले सदस्य त्या ठिकाणी होते। त्याच्यानंतर जे आझाद मैदानावर 47 दिवस ते बांधव बसलेले होते, ज्यांना नोकऱ्या करायच्या आहे ते बांधव पण त्या ठिकाणी होते। या सगळ्यांवरती आमच्यावरती त्या ठिकाणी गुन्हे दाखल केले। असे आमच्यावर किती गुन्हे दाखल करा, त्या ठिकाणी आप्पासाहेबांनी मी त्या पोलीस प्रशासनाला विनंती करत होतो का तुम्हाला आमच्यावरती काय गुन्हे दाखल करायचे करा। अरे पण ज्या 42 बांधवांनी समाजाच्या न्याय हक्कासाठी बलिदान दिलं त्यांच्या कुटुंबावर तुम्ही गुन्हे दाखल करतात? ज्या आझाद मैदानावरती नोकऱ्यासाठी 47 दिवस बसतात त्यांच्यावर तुम्ही गुन्हे दाखल करतात? म्हणजे गुन्हे दाखल झाल्यानंतर यांना नोकऱ्या लागणार आहे का नाही लागणार आहे? आता तुमच्या माध्यमातून मी तमाम महाराष्ट्रातल्या जनतेला सांगू इच्छितो की येणाऱ्या काळामध्ये या सरकारच्या विरोधात नक्की एक संघर्ष मोठा उभा राहणार आहे, आणि आमच्या मागण्या जर 8 दिवसाच्या आत जर मागण्या यांनी मान्य केल्या तर ठीक आहे, नाही तर पुन्हा या 42 कुटुंबातल्या सदस्यांना घेऊन त्याच्यानंतर जे 47 दिवस आझाद मैदानावर जे बांधव बसले होते त्यांना घेऊन पुन्हा या मातोश्रीवरती ठिय्या आंदोलनाला आम्ही सुरुवात करणार आहोत। नाझरीन, या हल्यात एक मुख्तसर वक्फा। दोबारा खैर मकदम।
रियासत के 5 बड़े IAS अफसरान का तबादला कर दिया गया है, जिनमें औरंगाबाद के जिला कलेक्टर उदय चौधरी भी शामिल है। उदय चौधरी को तबादले के बाद मंत्रालय में डिप्टी सेक्रेटरी के ओहदे पर फायज किया गया है। औरंगाबाद के जिला कलेक्टर उदय चौधरी को तबादले के बाद मंत्रालय में डिप्टी सेक्रेटरी का ओहदा दिया गया है। चौधरी 19 अप्रैल 2018 को कलेक्टर के ओहदे पर रुजू हुए थे। इनके एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का आगाज 22 अगस्त 2012 को गढ़चिरौली में असिस्टेंट कलेक्टर की हैसियत से हुआ था और वो वर्धा थाना में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के ओहदे पर फायज रहे। क्रांति चौक में पेश आई नकबजनी की वारदात में नामालूम सार्खों ने एक दुकान का शटर तोड़कर 5,000 रुपए और मोबाइल फोन चोरी किया और मजीद 2 दुकान एक होटल में भी सार्खों ने घुसकर चोरी की तलाशी की, लेकिन इन्हें कारोबार बंद होने की वजह से कुछ नहीं मिला। क्रांति चौक पुलिस दस्ते ने वारदात का जायजा लिया और केस दर्ज कर लिया। क्रांति चौक पर वाकई पेश आई नकबजनी की वारदात में नामालूम सार्खों ने एक दुकान का शटर तोड़कर 5,000 रुपए और मोबाइल फोन चोरी कर लिया, जबकि सार्खों ने इसी बिल्डिंग में मौजूद और एक दुकान का शटर भी तोड़ा, लेकिन वहां कुछ नहीं मिला। इसके बाद एक होटल में भी घुसकर चोरी की कोशिश की, लेकिन उन्हें होटल में भी कुछ नहीं मिला। वारदात की इत्तला मिलने पर क्रांति चौक पुलिस दस्ते ने जाए वारदात पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया और नामालूम सरकों के खिलाफ दफा 380, 457, 454 के तहत केस दर्ज कर लिया। सर क्रांति चौक भागात क्रांति चौक चौकात 4-5 दुकानची एक रात्री पोळी झालेली आहे सर, काय सांगेल काय तुम्ही पाहणी केली सर? आज दिनांक 10/8/2020 रोजी 10:00 सुमारास श्री अमित राजन खोजवाला यांनी पोलिसच्या समोर माहिती दिली की माझे क्रांति चौक येथील द इराणी शॉप दुकानाचे लोखंडी शटर तोडून आत प्रवेश करून चोरीचा प्रयत्न केलेला आहे। तसेच शिवराज असोसिएट केबल नेटवर्क या ठिकाणी सुद्धा दुकानात चोरी झाली असून सदर ठिकाणी 5,500 रुपयाचा रोख रक्कम चोरी झाल्याचे सांगत आहे। त्यावरून आम्ही माननीय पोलीस निरीक्षक श्रीमती परदेसी मॅडम, EPS सुरेंद्र सर, DB पथक, डॉग स्क्वॉड, फिंगरप्रिंट अशांनी घटनास्थळास भेट देऊन घटनास्थळ पंचनामा करण्यात आलेला आहे। CCTV फुटेज चेक करण्यात आलेले आहे। सर नेमकी सर किती मुद्देमाल गेला त्यांचा काही आकडा सांगू शकता का तुम्ही? 4 दुकानांचे शटर उचकटून चोरीचा प्रयत्न झालेला आहे। त्यापैकी शिवराज असोसिएट या दुकानातून अद्याप चोरट्यांनी 5,500 रुपयाचा रोख रक्कम चोरी झाल्याची तक्रार सांगत आहे। शाहगंज इलाके की सब्जी मंडी में कचरे का अंबार लगा हुआ है। मंडी में बची हुई तरकारी वहाँ के ताजिर वहीं पर छोड़कर जाते हैं, जिसकी वजह से शाहगंज इलाके में गंदगी फैली हुई है। खरीदारों का कहना है कि यहाँ पर साफ सफाई होना जरूरी है, गंदगी की वजह से बीमारियाँ न बढ़ सके। तो उस तरीके से यहाँ पर जो व्यापारी लोग बैठते तो उन्हें बैठने के अंदर तो बहुत सी तो परेशानी आती है और बहुत सी दिक्कतें होती है। ये कचरा उठाते नहीं, कितने दिन से कहा नहीं, यहाँ पे बैठना पड़ता हमको, बहुत ही परेशानी है। आते जाते लोग रस्ते में ये छिटते, कोरोना चल रहा है, ऊपर से कचरे घान उठाते नहीं। एक नज़र फिर से आज के अहम खबरों पर। आलमी शोहरत याफ्ता उर्दू के मशहूर शायर राहत इंदौरी दुनिया पानी से कूच कर गए। कोरोना का कहर बदस्तूर जारी, आज फिर 75 मरीजों की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। क्रांति चौक इलाके में सार्खों ने 4 दुकानों का शटर तोड़कर नकद रकम और मोबाइल चोरी करके हुए फरार। नाजरीन तो ये थी आज की खबरें, कल फिर मिलते हैं ताज़ा खबरों के साथ, तब तक देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़।